नमस्कार साथियों, मैं आपके साथ सतवीर सारंग और आप देख चुकना शुरू कर चुके हैं दई धड़क हरियाणा न्यूज। आपको बता दें कि हमारे कल्चर में हमारे जो लोकल अगर करें लोगों की बात तो हमें इंग्लिश का बड़ा कम ज्ञान है और चौथा में इंग्लिश सीखना कितना जरूरी है क्योंकि आजकल है वो बच्चे विदेश जा रहे हैं, अगर विदेश ना भी जा रहे हैं तो हिंदुस्तान में भी अगर रहकर पढ़ना चाहते हैं तो उनको जरूरी है कि उनको इंग्लिश भाषा का ज्ञान होना चाहिए। तो आज हम चोपटा में एक मात्र जो बहुत जबरदस्त इंग्लिश सिखाने का काम कर रहे हैं, अमेरिकन जो इंस्टीट्यूट है अंग्रेजी सिखाने का काम करते हैं, आज उस स्थान पे हम आए हैं। तो आपको कई दिनों से हम इस पे निगाह बनाए हुए थे कि भाई सर यहाँ क्या होता है और क्या कुछ यहाँ करवाया जाता है। तो आप पहली नजर में देखेंगे कि यहाँ जो ये कार्यालय बनाया गया है, हमारे साथ मैम जुड़ेंगी। नमस्कार मैम। नमस्ते सर। नमस्ते मैम। आप ये काफी दिन से हम देख रहे हैं आपके यहाँ से बच्चों की आवाजें आती रहती हैं और बार आपने लिखा है कि मात्र कुछ घंटे में अंग्रेजी सीखे, क्या मामला क्या है? क्योंकि अगर बात करें तो बच्चे प्लस टू कर जाते हैं तब भी उनको अंग्रेजी बोलना नहीं आता और आप कह रहे हैं कि कुछ घंटों में सिखाएंगे, तो क्या मामला क्या है? ये हमारी जो इंस्टीट्यूट है ना अमेरिकन वाला, ये सन 1991 से शुरू हुआ था मेरिट से पहला इंस्टीट्यूट, उसके बाद से ऑल इंडिया में हमारे 800 से ज्यादा फ्रेंचाइजी है। हमारा जो पढ़ाने का तरीका है ना ये मनोवैज्ञानिक तरीका है, बच्चे को हम रटाते भी नहीं है, उनके माइंड के अकॉर्डिंग टीच करते हैं। अगर कमजोर है तो कमजोर के हिसाब से टीच करते हैं, इंटेलिजेंट है तो इंटेलिजेंट के हिसाब से टीच करते हैं, उसी अकॉर्डिंग बच्चे को हम राइटिंग रीडिंग लिसनिंग और स्पीकिंग इन चारों पे काम करवाते हैं ताकि बच्चों को एक ही बात बार बार पूछा जाए, कुछ भी पूछ लिया जैसे वेयर आर यू गोइंग, वाई आर यू गोइंग आउटसाइड, गो इनसाइड, तो बच्चों को ये जैसे नॉर्मल घरों में बागड़ी बोलते हैं कठे जावे के कर है, वही हिंदी में कहाँ जा रहे हो क्या कर रहे हो, इसी को हम इंग्लिश में फिर ट्रांसलेट करके बता देते हैं, वेयर आर यू गोइंग, वाई आर यू, व्हाट आर यू डूइंग, Why are you coming here? यही इंग्लिश वाले वर्ड बच्चों के जब बीच में देते हैं, इसी के साथ साथ बच्चे अपना स्पोकन तो अच्छा करते ही करते हैं, साथ में इनको हम और भी बहुत सारी एक्टिविटीज सिखाते हैं, अपने आप को प्रेजेंट कैसे करते हैं, कहीं पे भी चले जाओ आज के टाइम में, आज के दौर में बड़े किसी भी कंपनी में जाते हैं इंग्लिश की बहुत ज्यादा डिमांड है। इंग्लिश बोलने वाला अंग्रेजी बोलने वाला बंदा आपको कहीं बेरोजगार नजर नहीं आएगा, डिग्री डिप्लोमा किया हुआ बहुत सारे बंदे बेरोजगार घूमते हुए नजर आते हैं। तो इसी के दौरान हम ये बच्चों को, मैं फोर्थ क्लास से लेकर ट्वेल्थ क्लास तक मैं ये टीच कर रही हूँ, इसके अलावा भी हमारे पास अगर कोई हमने बीए बीएड वाला भी बच्चा आता है तो हम उनको भी सिखाते हैं। हमारे यहाँ 8 से लेकर 60 साल की उम्र का हर कोई बंदा आता है सीखने के लिए क्योंकि अंग्रेजी जरूरी इतनी हो गई, कुछ अपने लिए नहीं तो अपने बच्चों के लिए सीखते हैं, कुछ वैसे सीखते हैं कि मुझे अपने आप के अंदर सेल्फ इम्प्रूवमेंट चाहिए, इस हिसाब से ये हमारा। आप पैसे भी तो फिर बहुत ज्यादा लेते होंगे? नहीं नहीं नहीं, हमारे यहाँ कोर्स कोई नहीं है, हम तो ये चाहते हैं कि बच्चा एक बार स्पीकिंग इस जैसे गवर्नमेंट ने भी चलाया है, आजकल मैंने देखा है कि गवर्नमेंट स्कूलों को इंग्लिश मीडियम बना रहे हैं, बना तो रहे हैं बट टीचर तो वही की वही रह गए ना, अब फिर भी इतना परफेक्ट नहीं सिखा पा रहे, तो हमारा जो फीस चार्जेस रहेगा एक बच्चे का एक साल का ओनली 5500 रुपए है जी, उसी के दौरान हम बच्चों के एक साल तक डील करते हैं, उसमें बच्चा कभी कभार आए ना आए उससे वो हो जाता है कवर, मैं बोल तो दूं कि सर मैं ये करा दूं वो करा दूं बच्चे को ना आए, बट हम गारंटी के साथ ये कहते हैं बच्चे को 3 महीने के बाद आने लग जाता है। दूसरा ये होता है हमारा बहुत सारा वीक बच्चा आ गया, ये मान के चलो उसको कुछ नहीं आता, 7th क्लास का बच्चा गोडन स्कूल का और उसको आता कुछ नहीं है, उन जैसे बच्चों के लिए हम क्या करते हैं हमारी कंपनी के द्वारा एक मेंबरशिप कार्ड अप्लाई करना होता है, उसको लॉन्ग लाइफ मेंबरशिप कार्ड बोलते हैं, ये जो 550 रुपए 550,000 रुपए हम लेते हैं ना, इसके अलावा उसके कुछ अलग चार्जेस लगते हैं जी, वो बनवाने के बाद बच्चा लॉन्ग लाइफ मेंबरशिप कार्ड का मतलब होता है बच्चे ने हमारी सदस्यता ले ली, अब उससे हम 1 रुपया भी फीस का नहीं चार्ज करेंगे, वो फ्री में ही पड़ेगा, उससे 1 रुपया नहीं लिया। तो मैडम क्योंकि चौकता है यहाँ, अब आप अगर बात करें अभी तो 5 बजने को है, इस टाइम आपके पास बच्चे आए हैं तो आने जाने में बड़ी परेशानी होती है यहाँ लोकल एरियाज में, तो उसके लिए क्या व्यवस्था है? हमने सुना है कि आप लाते भी हैं छोड़ के भी आते हैं, वो क्या मामला है, उसका क्या चार्ज रहता है, किस तरह से लेके आते हैं आप, कितने गांव से आप अगर आने चाहें तो लेके आ रहे हैं? ठीक है, हमारा जो टारगेट है सर वो 15 किलोमीटर के दायरे के अंदर गाँव में जितने भी आते हैं ना 15 किलोमीटर के अंदर अंदर से बच्चे लेके आने, इस समय मेरे पास 6-7 गाँव से बच्चे आ रहे हैं, हमारी अपनी एक वैन है अकॉर्डिंग टू गांव के जो किलोमीटर पड़ता है उसी के हिसाब से हम चार्ज कर रहे हैं वैन का, वैसे हमें कोई एक्स्ट्रा पे नहीं चाहिए, किसी के 300 लग रहे हैं तो 300 दो, 400 लग रहे हैं तो 400 दो, 500 ये नहीं कि सभी से हम 500 का रेट रखेंगे, नहीं
अकॉर्डिंग टू किलोमीटर के हिसाब से ले रहे हैं जी, ये मतलब किलोमीटर का खर्चा है वो ले लेते हैं, वही लेते हैं। मतलब मैडम आप काफी दिनों से यहाँ कर रहे हैं, तो कुछ ऐसे बच्चे भी होंगे जिन्होंने आपके पास कुछ सीखा भी होगा, तो आप उनसे भी हमें मिलवाएंगे। तो आपको ये तो थी वो तमाम जानकारियाँ कि हाँ अगर चोपटा में आपको इंग्लिश सीखनी है, अंग्रेजी सीखनी है, बोलना सीखना है, आपकी मतलब जो स्किल है वो किस तरह से आप कर रहे हैं। तो लेकिन अब हम देख रहे हैं कि आप छोटे छोटे बच्चे हैं वो भारी मात्रा में आते हैं सीखने को, और तमाम जो ग्रामीण अंचल के छात्र छात्राएं हैं वो आप हमारे साथ देख पा रहे हैं कि ये वो भविष्य है देश का, जो आगे बढ़कर कोई नशे अधिकारी बनेगा, कोई विदेश में जाएगा, कोई अपने परिवारजनों की सेवा करेगा। तमाम जो ये छात्र छात्राएं जो देख रहे हैं ये अभी तक मैच्योर नहीं है, लेकिन फिर भी इनकी ललक है कि अंग्रेजी सीखी जाए। तो हमारे साथ गुड़िया है, हम उनसे बातचीत करते हैं। क्या नाम बेटा? माय नेम इज अंकिता। कौन सा गांव है? सापुरिया। अच्छा, कितना दिन हो गया उड़ान की? डेढ़ महीने। अंग्रेजी आवा? यस सर। अच्छा, आप कौन से स्कूल में पढ़ते हैं? गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल। और आपके पिताजी का क्या नाम है? आप मतलब मेरा जो हिंदी का सवाल है उसका जवाब आप इंग्लिश में देंगे। तो आपके फादर साहब का क्या नाम है? माय फादर नेम इज मिस्टर हनुमान। तो यहाँ क्या मतलब एक आप स्कूल में जाते हैं, यहाँ कितने उससे अलग क्या कुछ सीखने को मिल रहा है? यहाँ पर बहुत अच्छी इंग्लिश सीखते हैं, यहाँ पर ज्यादा समझ में आता है स्कूल से भी। अच्छा, चलो और देखते हैं भाई। और आपको बता दें कि ये तमाम गाँव के बच्चे, आपका कौन सा गाँव है? तरकावाली। तरकावाली, मतलब अंग्रेजी आ गया? हुआ है ठीक ठीक। कितना दिन हो गया? लगभग एक महीना। अच्छा, ये बता दे, मैं स्कूल जाऊं? आई एम गोइंग टू स्कूल। और मतलब है मैंने इन्हें बुलाना है, मैं इन्हें खड़े हूँ तो What's your name? My name is Ravinder. What's your father name? Mr. Hanuman. आपकी उम्र कितनी है? 15 years old. और ये आप देख सकते हैं तमाम जो छात्र छात्राएं हैं हमारे साथ हैं। आपका कौन सा नाम? मेरा ना। कितना दिन हो गया अंतिम? दो महीने। What's your name? Ritesh. अच्छा, what's your school name? जो कौन सी स्कूल में पढ़ते हैं? गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल। गांव? नराना। व्हाट्स योर विलेज? नराना। आपके गांव का कौन सा क्या नाम है? नराना। ओके, मतलब मैंने जितनी गांव है मैडम जी भी थी मामले में सोचा भी मैं इन्होर डाल लूँगा। तो ये तमाम तस्वीरें दिखाने का मतलब ये है कि आज ही जो हमारी पनीरी है उसको हम तैयार करेंगे, कल को जाके वो बड़ा पेड़ बनेगा, और उस पेड़ के कुछ जो आज हमने पौधे लगाए हैं वो हम दिखा रहे हैं। क्या नाम आपका? अर्पित। कहाँ से हो? तरकावली। यहाँ आते कितने दिन हो गए? एक महीना। और आप कौन सी क्लास में पढ़ते हैं? सेवंथ। ये जवाब नहीं हुआ, ये मेरा सवाल था हिंदी में, आपको इसकी अंग्रेजी बनानी है कि आप कौन सी क्लास में पढ़ते हैं। I am studying 7th class. और what's your father name? My father name is Javishiv. ये जो है मतलब इस तरह के जवाब मैं अब सीखा हूँ, मतलब कह सकते हो कि आप हमने डिग्रियां कर ली, लेकिन ये नहीं था एकदम से अगर किसी ने पुट कर दिया कि क्या कुछ है तो। और एक हमारे साथ और है, उनसे भी बातचीत करेंगे कि आपका क्या नाम है? लावण्या पवार। अच्छा, और yourself? आप कौन हैं, कहां से हैं, क्या करती हैं? I am a student. और आपकी एज कितनी, उम्र कितनी आपकी? 8 years. अच्छा, और कौन सी क्लास में पढ़ती हैं? 3rd. अच्छा, और आपके मम्मी पापा क्या करते हैं? टीचिंग। कैसी टीचिंग करवाते हैं? स्पोकन इंग्लिश। मतलब अगर आपको पूछा जाए हिंदी में कि आप भविष्य में क्या बनना चाहते हैं, आप बता सकते हैं अंग्रेजी में इसका क्या बनेगा, क्या बनना चाहते हैं? What's your aim? I want to be a doctor.
तो मतलब मुझे आज तक अब मतलब थोड़ा थोड़ा पता चलने लगा था अभी एम का मतलब हुआ लक्ष्य, और आज मैंने जब समझ में आया भी तो मैंने इनसे पूछ ही लिया। और इसने कौन सी क्लास में पढ़ते हो आप? थर्ड। आपका क्या नाम है? प्रगति। व्हाट्स योर नेम? माय नेम इज प्रगति। अच्छा, और कौन सी क्लास में पढ़ती हैं आप? थर्ड। अच्छा, कौन सी स्कूल में? केवीएस। व्हाट्स योर नेम? परवीना। अच्छा, और आपके गांव का क्या नाम है? माय गांव नेम नरसी चोपड़ा। ओके ओके, व्हाट्स योर नेम? माय नेम इज संध्या। अच्छा, और आपके गांव का क्या नाम है? तरकावली। तो ये हमारे तमाम जो क्षेत्र हैं अपने नाथूश्री चौकटा क्षेत्र के लगते जो गांव हैं उन गांव के सभी बच्चे हैं और यहाँ अक्सर ही आते हैं। और तो मैं देखता रहता हूँ कि भई ये इतने छोटे छोटे बच्चे हैं, ये क्या कुछ करते होंगे। इनको 3-4 बजे लेके आया जाता है, और 3 बजे आओगे थे? 3 बजे आओ और जाओ 5 बजे, 5 बजे जाओ। मैं सोचू भी यार क्या सीखा है मास्टर मास्टर ने, तो बात आया कि आने इंग्लिश सिखाई जल्दी। यार मन लगा खूब खूब है सीख रहा है जितनी का मतलब मैं 32 साल की उम्र में सीखी हूँ वह अब सीख रहा है। तो चलो, तो साथियों मैं आपको कह रहा था कि नाथूश्री चोपटा क्षेत्र में ऐसे इंस्टीट्यूट आएंगे कोचिंग होंगी तो हमारे जो आने वाली पीढ़ी है वो एक अलग सुधार में होगी, क्योंकि ये चीज मैंने और आप सभी ने फील करी है नाथूश्री चोपटा और इस क्षेत्र के लोगों को, विशेष करके हरियाणा का ये दिशा और राजस्थान के लगती हुई जो क्षेत्र उसमें, कि हम हमेशा ही रहे हैं तो अंग्रेजी भाषा में पिछड़े हुए रहे हैं। हमारे बच्चों को अंग्रेजी नहीं आई है, समझ नहीं आई होगी, या वो इसमें पूर्णतः सफल नहीं हो पाए। अब जमाना बदला है और हमारे जो एरिया के बच्चे हैं वो विदेशों में भी जा रहे हैं। मात्र एक सहारा है विदेश में जाने का कि आपको इंग्लिश भाषा आनी चाहिए, और उसी के अवेज पे सारे साथी आपको पता है कि जो पीटी आईलेट्स करते हैं वो सारे विदेश गए हैं। तो क्यों ना उनकी तैयारी बचपन से ही करवाई जाए। तो आपके लिए एकमात्र नाथूश्री चोपटा में एक संस्थान है जिसमें आपके बच्चों को बड़े प्यार से लाया जाता है, प्यार से छोड़ के आया जाता है, और पैसे हैं वो आप अपने हिसाब से उनको दे सकते हैं कि जिस तरह से मैडम ने बताया इस वीडियो में। तो ये तमाम जानकारियाँ चोपटा क्षेत्र के तमाम उन लोगों के लिए हैं जो अपने बच्चों का भविष्य सुधारना चाहते हैं, और ऐसी तमाम जानकारियों के लिए आप देखते रहें बेधड़क हरियाणा न्यूज़। मैं आपके साथ सतवीर सारण, कैमरा सहयोगी जोनी शर्मा के साथ, धन्यवाद।